भाई इस पे फोटो खिंचवा रहे क्योंकि इसके एक सेकंड देखो राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सोहेल सैफी ब्लॉग। सो इस वाले ब्लॉग में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ इंडिया का फर्स्ट क्लिक आर्ट म्यूजियम, जो कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हो, यह है रोहिणी में। एंड मैं यहाँ के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि यहाँ पे आप किस तरीके से आ सकते हो, यहाँ का टिकट का प्राइस क्या है, टाइमिंग्स क्या है, लोकेशन क्या है, और अंदर की साइड में आप 3D फोटो शूट कर सकते हो। वो भी मैं फोटो शूट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप फोटो शूट कर सकते हो, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो कि आने से पहले आपको यहाँ के बारे में पता होनी चाहिए। सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लोकेशन के बारे में। सो सामने की साइड में आप ये जो देख रहे हो, ये है मेट्रो वॉक, जो कि रोहिणी में है। एंड गूगल मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप अपने कन्वेंस से आना चाहते हो सो मैप लगाकर आ सकते हो। और अगर आप भाई मेट्रो आना चाहते हो सो यहाँ का जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है रिठाला का। वहाँ से आप जैसे एग्जिट लोगे तो बाहर की साइड में आपको वहाँ से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिल जाते हैं, जो कि आपको 10 रुपये में मेट्रो वॉक छोड़ देंगे, नहीं तो आप वॉक करके भी आ सकते हो किसी से पूछ के। तो ये है क्लिक आर्ट म्यूजियम की एंट्रेंस। एंट्रेंस के राइट साइड में यहाँ पर है टिकट काउंटर, इस साइड से आप टिकट दे सकते हो। टिकट का प्राइस है वो है ओनली 50 रुपये का, इस तरीके का टिकट है, इस तरीके से 50 रुपये में टिकट है। और बात अगर टाइमिंग्स की करें तो टाइमिंग्स है आफ्टरनून के 12 बजे से रात के 8 बजे तक। सो ये है यहाँ की पार्किंग, 4 व्हीलर का है 50 रुपये और 2 व्हीलर के हैं 30 रुपये पार्किंग के। सो ये यहाँ से एंट्रेंस है क्लिक आर्ट म्यूजियम, इंडिया फर्स्ट ट्रिक आर्ट म्यूजियम 3D। चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो फोटो है वो सामने साइड में दिख रही है, ये है मोनालिसा। और किस तरीके से फोटो शूट करा सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये कुछ तरीके से यहाँ पे आइडिया दिया गया है, इस तरीके से आप फोटो शूट करा सकते हो। और एग्जाम्पल अगर देखो तो इस तरीके से है मतलब आपको यहाँ पे खड़ा होना है, जो मतलब फोटो क्लिक करवाना चाहता है और जो क्लिक कर रहा है वो उसको यहाँ पे खड़ा होना है। उसके बाद फोटो को कर लेते हैं क्लिक। नेक्स्ट यहाँ पे फोटो शूट के लिए कुछ इस तरीके से है और डेमो इस तरीके से दे रखा है, मतलब आपको कोनी मारनी है, कोनी के बाद ऐसा लगेगा जैसे आपने कांच तोड़ दिया है इस फोटो का। तो कराते हैं फोटो क्लिक और देखते हैं किस तरीके से फोटो आती है। और नेक्स्ट यहाँ पे सामने की साइड में है बटरफ्लाई, इस साइड में आप फोटो शूट कर सकते हो लाइक पापा की परी की तरह, जो कि आप इस तरीके से देख रहे हो, इस तरीके से आप फोटो शूट करा सकते हो। तो तरुण भाई जा रहे हैं फोटो शूट कराने के लिए, चलिए शुरू करते हैं अभी। तो इस तरीके से फोटो शूट करा सकते हो सो इस साइड में भी आप फोटो शूट करा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इस तरीके से ये है, मतलब इस तरीके से चाय दे रही हैं, तो आपको यहाँ पे बैठ के उसके बाद पकड़ना है और फोटो कुछ इस तरीके से आएगी। सो इस तरीके से भी आप फोटो शूट करा सकते हो यहाँ पर। एंड नेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से है, जो कि आपको मतलब ट्रॉफी दे रहे हैं और फोटो आपकी कुछ इस तरीके से आएगी, जो कि इस तरीके से देख रहे हो। वाओ, इस तरीके से आप फोटो शूट यहाँ पे करा सकते हो। सो नेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से देखो फोटो शूट के कुछ डेमो दिखाए गए हैं कि इस तरीके से आप फोटो शूट कर सकते हो। एक एक करके दिखाता हूँ इनकी लोकेशन कहाँ पर है। सो यहाँ पे सबसे पहले ये है पजल, मतलब आप पजल बना रहे हो, मतलब एक तरह से जोड़ रहे हो, तो इस साइड में आप फोटो शूट कर सकते हो। और उसी के पास में यहाँ पर ये क्या है भाई, कौन है, नंगे पुंगे आदिवासी। तो यहाँ पे तरुण भाई जो ले गए अभी क्या करवा रहे हो तो इसमें मतलब किस तरीके से फोटो शूट कराते हैं वो मैं दिखा सकता हूँ। देखो ये एप्पल दे रहे हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे फोटो शूट करा सकते हो। नेक्स्ट है इस तरीके से देखो, ये खेल रहे हैं पत्ते, जुआ खेला जा रहा है इधर यहाँ पे, जो कि देखो पत्ता चुरा रखा है बिल्कुल इक्का का। इस तरीके से निकालना है और फोटो कुछ इस तरीके से क्लिक होगी, जो कि दिखाता हूँ मैं। तो ये यहाँ पे डेमो, इस तरीके से यहाँ पे हमें खड़ा होना है, जो कि देखो फोटो शूट वाला यहाँ पे होगा। हर पेंटिंग के पास में आपको ये दिख जाएगा, मतलब कहाँ पे खड़ा होना है और कहाँ पे से फोटो शूट कराना है। सो कराते हैं फोटो शूट इस तरीके से और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और यहाँ पे नेक्स्ट पेंटिंग इस तरीके से, जो कि देख रहे हो डायमंड है भाई, तो इस डायमंड को ले लेते हैं, मतलब फोटो शूट कराते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, किस तरीके से रिजल्ट आता है, किस तरीके से फोटो आती है। सो क्लिक करते हैं।
और यहाँ पे सामने की साइड में देख रहे हो क्लेकार्ट म्यूजियम जिसने बनवाया है वो यहाँ पे सामने है, इनकी फोटो है। और इनके बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो इस तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हो। और यहाँ पे नेक्स्ट है, इस तरीके से आप यहाँ पे फोटो शूट करा सकते हो, जो कि ये जादूगर है, जादूगर वहाँ पे आपको बैठना है और इसके बाद फोटो क्लिक करा सकते हो आप। और यहाँ पे सामने की साइड में है एलिफेंट, इस साइड में आप मतलब किस तरीके से फोटो शूट करा सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे सामने देख रहे हो दो बंदों के साथ ये फोटो शूट होगा, मतलब एक साइड से इस साइड से रस्सी पकड़नी है और इस साइड से पकड़नी है, उसके बाद फोटो शूट होगा। और नेक्स्ट आप यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हो ये पेंटिंग्स हैं, जो कि शिप क्रैश हो रहा है, इस तरीके से आप फोटो शूट कर सकते हो, जो कि देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे नेक्स्ट कर सकते हो आप फोटो शूट कठपुतली की तरह, मतलब आपको किसी ने जाल में फंसा लिया आपने, उस तरीके से फोटो शूट कर सकते हो। तो भाई देखो पीछे देख रहा है किस तरीके से करना फोटो शूट। हाँ बढ़िया, आ जाओ चलो यार आ जाओ। और यहाँ पे सामने इस साइड में दो रूम और हैं, इस साइड में भी आप फोटो शूट करा सकते हो। सबसे पहले इस वाले रूम में चलते हैं और दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पर, जो कि देखो इस तरीके से सारे फोटो शूट इस तरीके से आप कर सकते हो। ये पूरी पेंटिंग्स हैं और किस तरीके से आप फोटो शूट कर सकते हो वो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि देखो ये बाथरूम वाला सबसे बढ़िया लगा मुझे। और ये देखो ये भी काफ़ी बढ़िया है। सो गाइस यहाँ पर देखो सोहिल गया हुआ है टॉयलेट करने के लिए। क्या दिखा रहे हो उसको? छतरी लगा लो ऊपर। तो भाई इस पे फोटो खिंचवा रहे हैं क्योंकि इसके इरादे नेक नहीं है। ये देखो फोटो शूट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से फोटो आती है। और बाकी इस तरीके से भी फोटो शूट कर सकते हो यहाँ पे, जो कि मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से करोगे, जो कि इस तरीके से। और यहाँ पे सामने है चिंपैंजी, जो कि मतलब अपनी सेल्फी ले रहा है। यहाँ पर कुछ बर्ड्स वगैरह हैं, सो इस साइड से फोटो शूट कर सकते हो, मतलब ऐसे हाथ रख के जैसे आपके पास बैठा हो, आपके हाथ में बैठा हो। और यहाँ पे सामने है क्रोकोडाइल, ये काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है, बिल्कुल 3D लग रहा है, इसमें करते हैं फोटो शूट। आओ भाई सोहिल, क्रोकोडाइल के मुंह में घुस जाओ। तो सोहिल की करते हैं फोटो शूट। सो चलते हैं अब नेक्स्ट रूम के अंदर। सो यहाँ पे हमें किस तरीके से फोटो शूट कर सकते हैं, हम देखो इस तरीके से हम यहाँ पे फोटो शूट कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले है क्रिसमस सांता, सांता हमें गिफ्ट दे रहे हैं, सो फोटो शूट करते हैं। यहाँ पर सामने है ब्रूस ली, तो मुंह तोड़वाने के लिए मैं वहां पे जा रहा हूँ और देखता हूँ किस तरीके का फोटो आता है और आपको भी दिखाता हूँ। सो मैंने आपको बाहर की साइड में दिखाया था पापा की परी तो बन सकते हैं, सो यहाँ पे तरुण भाई बन रहे हैं पापा के परा। सो यहाँ पे पापा के परा बन के फोटो शूट कर सकते हैं, जो कि इस तरीके से। सो यहाँ पे सामने की साइड में है चार्ली, इस साइड में भी आप फोटो शूट कर सकते हो, करते हैं फोटो क्लिक। और यहाँ पे सामने की साइड में मैजिशियन लड़की है, इस साइड में भी आप फोटो शूट कर सकते हो। सो यहाँ पर भी फोटो क्लिक करते हैं और देखते हैं किस तरीके से फोटो आती है। सो यहाँ पे सामने की साइड में हॉर्स, इस साइड में भी आप फोटो शूट कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये इसके बाल हैं, इस तरीके से खींच रहे हैं और इस तरीके से फोटो शूट कर सकते हो। सो दैट्स इट फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। टिकट की जो टाइमिंग रहती है वो ओनली 30 मिनट रहती है, मतलब 30 मिनट में आप जितने फोटो क्लिक कर सकते हो बस उतना ही कर सकते हो, उसके बाद आपको बाहर कर दिया जाता है, मतलब गेट आउट कर दिया जाता है। सो दैट्स इट फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दिल्ली NCR में घूमने की बेस्ट प्लेसेस के बारे में, बेस्ट लोकेशंस के बारे में मैं इस चैनल पर बताता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्दी, जब तक के लिए बाय बाय।